अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आयुष्मान योजना के एक साल पूरे होने पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य देवेश चतुर्वेदी से भी हमारे संवाददाता विक्रम सिंह राठौर ने खास बातचीत की है, जहां उन्होंने बताया कि सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटलों में ये सुविधा उपलब्ध हो, और साथ ही कई अहम बातें भी प्रमुख सचिव ने बताई है। चलिए आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने। आयुष्मान योजना की एक साल पूरे हो चुके हैं और उस पर हमसे बात करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के प्रमुख सचिव देवेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, एक साल पूरे हो चुके हैं योजना को, अभी तक की कौन कौन सी चीजों को आपने ज्यादा फोकस में रखा, क्योंकि अभी आपने जल्द ही वैसे विभाग संभाला, मगर फिर भी जब से आपने संभाला तब से कौन कौन सी चीजों पर आप लोगों का ज्यादा फोकस है कि जिससे लाभार्थियों पर के पास इस योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा जा सके। देखिए, दो तीन चीजें हैं इसमें जिसको देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि योजना का हमें मालूम है कौन कौन पात्र हैं, परिवार कौन से हैं, दोनों योजनाओं में ला के जो लोग जानकारी रखते हैं वो इलाज ले भी रहे हैं हमारे हॉस्पिटल्स। तो सबसे पहला तो ये है कि हम चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक हॉस्पिटल्स इसको में आबद्ध हों, तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ इसमें कार्यशाला की थी, सरकारी मेडिकल कॉलेज दी थी, जिसमें उनकी समस्याओं को सुन के उनको दूर करने के लिए हम लोगों ने अब उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा ये है कि योजना का प्रचार यद्यपि है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर प्रत्येक परिवार को हम गोल्ड कार्ड बनवा के दे दें। उसके दो लाभ होते हैं, एक तो कार्ड मिलते ही वो आदमी ये निश्चित हो जाता है कि इस कार्ड से हमको लाभ मिलेगा जो हॉस्पिटल जिसमें भी जाएगा। दूसरा है कि अगर किसी दुर्भाग्यवश किसी बाहर प्रदेश के बाहर गया, वहाँ उसको जरूरत पड़ी तो वो भी वो कार्ड दे के वहाँ इलाज करा सकता है। तो ये इसीलिए हमारा सबसे बड़ा अभी महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा कि हम इस गोल्ड कार्ड को हम ज़्यादा बांट सकें, और दूसरा ये है कि हम और अधिक चिकित्सालयों को आबद्ध करते हुए जिससे इसकी पहुँच हम और बढ़ा सकें। मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि बहुत ज़्यादा ये उम्मीद है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरीके की हैं कि जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो सकती है कि जो लाभार्थी ना हो फिर भी रजिस्टर हो जाए, इस चीज़ को किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि एक साल पूरा हो चुका है, कोई ना कोई प्रोसेस जरूर आप लोगों ने डिजाइन किया। हाँ नहीं, ऐसा है, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। हम लोग का जो सिस्टम में केंद्र सरकार का भी जो एक सॉफ्टवेयर है, उनकी भी एक एंटी फ्रॉड यूनिट वहाँ है, और हमारे जो हमारा जो सिस्टम है उसमें भी एक है, वो ट्रिगर एक हमारा डेटा एनालिटिक्स यूज़ करके प्रयोग करके ये ट्रिगर दे सकता है कि अगर कोई कार्ड जो है कई बार एक व्यक्ति इलाज ले रहा है या एक अस्पताल एक ही तरह के इलाज एक साथ बहुत सारे कर रहा है, तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम हैं जो ट्रिगर देते हैं, उस ट्रिगर से हमको जैसे पता चलता है तो हम उसकी जाँच करवाते हैं, और जाँच करवाते जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की यूनिट है, और अभी तक हालांकि ऐसे कोई बड़ी विशेष बात नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे योजना बढ़ेगी और जैसे जैसे इसका आकार बढ़ेगा, जब ज़्यादा लोग इलाज कराएंगे तो ये संभावना है कि ऐसा दुरुपयोग की संभावना हो सकती है, क्योंकि पिछली योजनाओं में इस तरह की हुई थी, तो उसको रोकने के लिए हम लोग को पहले ही से अलर्ट रखना है जिससे कि ये वहाँ के ये चीज़ पकड़ी जा सके, और वही चीज़ हम लोग उस पर ध्यान रख के कार्य कर रहे हैं। गोल्डन कार्ड को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए लोगों तक ज्यादा पहुंचे, मुख्यमंत्री जी ने कहा कई जिले बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, कुछ जिले अभी पीछे हैं, धीमे काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या प्लान तैयार कर रहे हैं? उसमें यह है कि हम लोगों ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसमें भी हम लोगों ने किया है कौन से जिले अच्छे हैं कौन से पीछे हैं, और उनको हम जिलाधिकारियों मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कह रहे हैं कि कैंप लगा के जो कॉमन सर्विस सेंटर है और या जो आबद्ध चिकित्सालय है उसमें क्योंकि आबद्ध चिकित्सालयों में निःशुल्क हो जाता है कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, और कॉमन सर्विस सेंटर जो जन सूचना केंद्र हैं, जन सेवा केंद्र हैं, उसमें 30 रुपये लगता है, तो दोनों जगह वो उसको कम से कम फर्स्ट टारगेट हमारा है अगले 2 महीने में कि हम हर परिवार को कम से कम एक सदस्य को तो कार्ड दिला ही दें, और अगर उससे अधिक हो जाए तो बहुत अच्छा है, जिससे कि उनके पास परिवार की सूची है ही, और एक व्यक्ति भी कार्ड होगा तो उसके इस्तेमाल करके फिर वो कहीं भी इलाज करा सकते हैं, लेकिन आगे हमारा लक्ष्य है कि सभी लोगों को कार्ड मिल जाए। बिल्कुल सर, पूरी आपकी मुहिम में हिंदी खबर आपके साथ है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। ये थे प्रमुख सचिव देवेश चतुर्वेदी जी, जिनका साफ ही कहना था कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जो चीज़ें हैं उनको मॉनिटर कर रही है, और जो लाभार्थी हैं उनको पूरी तरीके से लाभ दिया जाएगा, और जो लोग इस योजना का गलत दुरुपयोग करने का भी प्रयास करेंगे उसके लिए पूरा एक सिस्टम बनाया गया है जिसके द्वारा कोई भी गलत तरीके से इसका लाभ नहीं उठा पाएगा। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।